इसमें नहीं है, ये सीवीटी है। अच्छा, ये माइलेज के लिए है, सिटी के लिए है, होंडा सिटी के लिए, ये भगाने के लिए नहीं है बस। हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नई ड्रैग रेस वीडियो में। आज हम ड्रैग रेस करवाने वाले हैं मारुति सुजुकी बलेनो वर्सेस होंडा सिटी पेट्रोल। दोनों गाड़ी पेट्रोल है, ये 1200 सीसी है, ये 1500 सीसी है, और ये अपनी मैनुअल में आ जाती है, ये जो है अपनी सीवीटी में आ जाती है पेट्रोल। और सेगमेंट की बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, ये जो है अपनी हैचबैक में आ जाती है और ये जो है अपनी सेडान में आ जाती है। तो उसका नियम जो है सिर्फ मजे में एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए जो है वीडियो शूट करने लग रहे हैं। अब इसमें एक बात इस गाड़ी में थोड़ा नेगेटिव ये है कि यह सीवीटी, इसमें जो है भाई गियर शिफ्टिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सीवीटी गियर बॉक्स होता है भाई उसमें थोड़ा होता ही, वो गियर चेंज करता है, नहीं आरपीएम हाई हो जाता है पर गियर चेंज नहीं करता। और ये अपनी मैनुअल भाई, अपनी मर्जी से कोई सा गियर लगा दो, तो ये इसमें थोड़ा ऊपर बेनिफिट हम इसमें देख सकते हैं। अब बात करें मारुति सुजुकी बलेनो, तो इसमें जो है हमें 83 bhp की पावर, उसी के साथ 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। और उसी तरफ बात करें होंडा सिटी का, तो इसमें जो है हमें 1500 सीसी का पेट्रोल VCVT है, ये बेस वेरिएंट है, जो प्रोड्यूस करती है 119 bhp, उसी के साथ 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो देखते हैं भाई कौन जो है इस फर्स्ट राउंड की विनर रहती है। बाकी जो इस गाड़ी के ओनर हैं उनको आपने थोड़े दिन पहले जो है इसकी और पोलो की ड्रैग रेस में भी देखा होगा, तो देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी जो है वो विनर रहती है। अब भाई मैं है ना एक बार फर्स्ट राउंड में इसका जो है फर्स्ट राउंड में हम इसका वैसे चेक करेंगे कि ये डी में कैसी चलती है, मतलब डी में हम विदाउट इको मोड में हम इसमें, चलो इको मोड भी जो है वो भी ऑन कर लेंगे। और भाई थोड़ा अंधेरा हो चुका, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, थोड़ा टाइम ऐसे ही चल रहा है भाई, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था मैं थोड़ा और जल्दी आने का यहाँ पे। चलें दो हजार, अच्छा मैं इसको इनिशियल में ही उठाता हूँ भाई। ये है भाई सीवीटी, देख लो। अब मैंने स्पोर्ट्स मोड में नहीं था, ये इको मोड में भी नहीं था, नॉर्मल मोड में था। और वो बलिनो देखो कैसी चली गई, पर अब वही है ना इनिशियल में वो चली गई, लॉन्ग में तो ये हरा ही देगी। ये हरा दिया भाई लॉन्ग में इसने, ये जो है वो हरा दिया लॉन्ग में, तो इसको हराना ही था भाई, क्योंकि भाई अब जो गाड़ी इतनी फेमस है जिस नाम से, वो चीज तो होती ही होती है बिल्कुल। यहीं से ही कर लें अब वही बात होगी ना, इनिशियल में तो वो चली जाती है, मिड में वो कर जाती है क्रॉस, मिड में भी नहीं जाने देती भाई ने, चौथे से पांचवें क्लच जल्दी छोड़ दी बीच में। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं, हम एकदम उठाएंगे पूरा वो करके नहीं। अब वो चली गई भाई इतने में, ये देख लो वो इको में चली जाती है इतने में, पर अब इसका मीड बढ़िया है, पर नहीं 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 नहीं, वो चली गई भाई, वो चली गई इतने, वो चली जाती है भाई इतने। तो भाई जो ये वाला राउंड था ना, इसमें थोड़ा वो हो गया था, क्योंकि आगे से थोड़ा बच्चे भी चल रहे थे ना, तो थोड़ा मिस कम्युनिकेशन हो गई थी। तो हम जो है अब ये थर्ड राउंड करते हैं, और मेरे ख्याल से ये फाइनल राउंड ही होना चाहिए। हाँ वैसे ये तो इसमें नेक टू नेक तो चली रही है गाड़ी, वो तो ड्राइवर चेंज कर ले या तो। हाँ ड्राइवर चेंज कर लेते हैं, भाई ड्राइवर के ऊपर बहुत ज्यादा बात होती है। तो अब जो इसका थर्ड राउंड होने वाला है, तो थर्ड राउंड में जो है अब हम उसमें जाएंगे और ये दोनों भाई जो है ये इसमें आ जाएंगे, क्योंकि भाई मेन अपना यही है भाई, जो हो वो इक्वल होना चाहिए, हमको भी इस गाड़ी का मजा लेना चाहिए कि कहाँ पे वो गाड़ी रुक रही है और वो इतने में मिड में चली जाती है। बराबर खड़ी है भाई दोनों गाड़ियाँ मैनुअल में जाती, पर जो इसका डीजल वाला है ना जैसे ओवर ना चलाना आप, वो टॉर्क कन्वर्टर है। अच्छा इसमें नहीं है, ये सीवीटी है। अच्छा, ये माइलेज के लिए है, सिटी के लिए है, होंडा सिटी के लिए, ये भगाने के लिए नहीं है बस, ये इसका नेगेटिव है। ऑन कर लेते हैं, ठीक है।
स्टार्टिंग है तो पूरी चली जाती है ये। थर्ड गियर लग चुका है भाई और सिटी अभी तक तो नहीं आई पर ये आ गई भाई, पूरा पंजा दबा रखा है भाई, बिल्कुल भी रेस नहीं छोड़ रखी और वो चली गई भाई, वो चली गई। ओ भाई पर ये भाई पर यूं लगता जरूर है कि टक्कर देने लग रही है गाड़ी पूरी। क्या कहना चाहोगे? इनिशियल में हो जाती है आगे और फिर आगे जाके तो फिर ये तो भाई वो वही होगी ना सिडैन अपना, वो फायदा वो हो जाता है बेनिफिट। 120 की स्पीड पे करती है। अगर जो सीवीटी गियर बॉक्स है भाई ये गियर चेंज ही नहीं करती है, पर अगर हम इसका अगर जैसे है ना मैन जो इसका अब जैसे ये है अपने हाथ में पेडल शिफ्टर यूज करें ना, पेडल शिफ्टर मेरे को इस गाड़ी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगे अगर हम मतलब इनिशियल में रेस की बात करते हैं तो। अब जैसे ये 70 की स्पीड है, 7th गियर लग चुका है इसका, यहाँ पे ये माइलेज बढ़िया दे देगी, पर अब वही बात है ना भाई अगर ये मैनुअल होती तो इतना गैप भी इसमें नहीं रहता। और भाई मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल आता है इसमें वो भी हम इसमें ऑफ हमने नहीं करा था, ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो इसका ऑन था ऑफ नहीं किया उसके बाद भी, तो इनिशियल में हम यूं भी कह सकते हैं भाई शायद थोड़ा बहुत इसलिए जो है वो गैप रह गया होगा। तो भाई आपने देख ही लिया होगा अगर हम इन दोनों गाड़ियों की रेस करते हैं इनिशियल में ये जो गाड़ी है ये बाजी मार लेती है, पर आगे जाके भाई वो गाड़ी ऐसी चली जाती है फिर वो इसको नहीं पकड़ पाए, क्योंकि भाई एक तो वही बात होगी ना सिडैन होगी तो सिडैन अपना फायदा वहां पे दिखा देती है। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं कि अगर हम इन दोनों गाड़ियों की ड्रैग रेस करते हैं होंडा सिटी जो है वो जीत जाती है और जो बलिनो है वो हार जाती है भाई। तो अगर यहां तक आपने वीडियो देखी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।